हमारे मुमरा शहर में पहली बार क्रिकेट कोचिंग स्टार्ट हुई है, जिसके कोच खुद जावेद जैस खान है, जो कि मुंबई रणजी ट्रॉफी के बड़े खिलाड़ी है। जावेद ने रणजी द गॉड ऑफ क्रिकेट यानी सचिन तेंदुलकर के साथ खेली है। जिस वक्त और भी बड़े खिलाड़ी पिच पर उतरे हुए थे, जावेद जैस ने बीड़ा उठाया है कि यूथ को क्रिकेट से जोड़ा जाए। कोचिंग मुमरा के जेके टर्फ में ही की जाएगी। ये टर्फ ऑल सीजन टर्फ है। स्कूल और ग्रुप कोचिंग भी की जाती है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के सानिया हॉल में डॉक्टर कफील खान ने अपनी किताब को लॉन्च किया है। आपको बता दें कि मुमरा में डॉक्टर कफील खान ने जो किताब लॉन्च किया और पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि ये किताब मुमरा में लॉन्च करते हुए उन्हें काफ़ी खुशी महसूस हो रही है और इस किताब का नाम द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी है। इस किताब में उन्होंने गोरखपुर के BRD हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से मरने वाले बच्चों और उनकी गिरफ्तारी से जुड़ी हुई जानकारी लिखी है। डॉक्टर कफील खान ने बताया कि इस किताब के लिए उन्हें पब्लिशर नहीं मिल रहे थे। कोई भी पब्लिशर इनकी किताब को छापने के लिए तैयार नहीं था, मगर इंग्लिश में ब्रिटिश पब्लिशर ने इस किताब को छापा है। वहीं हिंदी और उर्दू के लिए कोई भी पब्लिशर तैयार नहीं हो रहा है। वहीं डॉक्टर कफील ने यह भी कहा है कि जो खुलासे इस किताब में उन्होंने किए हैं, इसकी वजह से उनकी किताब को सरकार बैन भी कर सकती है। और डॉक्टर कफील खान ने यह भी बताया है कि वो आने वाले समय में राजनीति की दुनिया में भी कदम रख सकते हैं। बहरहाल डॉक्टर कफील खान ने जो किताब अपनी लॉन्च की है द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी, इसके बारे में पत्रकारों ने बातचीत की है, उनसे सुनिए। मेरी कहानी जो है वो सबको पता है, लेकिन किसी से टुकड़ों में पता है। तो मैंने कोशिश की है कि पूरी कहानी को एक जहाँ पे रखी जाए इस किताब के जरिए। दूसरे जो है, हर कोई जो है डॉक्टर कफील की बात करता है, और उन 63 बच्चों की और 18 एडल्ट जो रात 54 घंटों में दम तोड़ दिया था ऑक्सीजन के अभाव में, उनकी कहानी है। जुडिशरी की कहानी है कि कैसे जुडिशरी स्लो हो गई है, देर में फैसले लेती है। इसके अलावा मीडिया, मतलब आप डिजिटल मीडिया मैं कहूँगा तब भी अभी भी निष्पक्ष है, अनबायस्ड है, पर कुछ मीडिया जो होती है उन्होंने किस तरह से रोल किया। मुझे मेन स्ट्रीम चैनल्स, मेन स्ट्रीम चैनल कह लीजिए, लेकिन सारे मीडिया उसमें भी अच्छे कुछ हैं, अच्छे कुछ। तो मीडिया ने किस तरह से मुझे हीरो बनाया और एक 70 बच्चों का कातिल बना दिया। जेल में क्या होता है, जिस जेल में मैं था वो एक बैरक में 200 प्रिजनर रहते थे और एक टॉयलेट होता था। उसी के बगल में एक बैरक में मंत्री जी थे, आप लोगों को शायद नाम पता हो, 3 बार के मंत्री जी, जिनको उम्र कैद हुई है गोरखपुर के जेल में है, वो उस बैरक में अकेले रहते थे। टीवी था, पंखा था, कूलर था, बेड था, और 4 लोग पैर दबाने के लिए थे। तो जेलों में कि जेल की ज़िंदगी के बारे में लिखा है, किस तरह से अगर आपके पास पैसा हो तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, और आप अगर सरकार की अगर आए हैं तो आपको जो है एक स्लेव से भी बदतर आपके साथ बिहेवियर किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मैंने हेल्थ सिस्टम की बात की है जो भी बिखरा और टूटा हुआ है। मेरा अपना मानना है इट्स नॉट बिकॉज ऑफ COVID-19 आवर हेल्थ सिस्टम हैज कोलैप्स्ड। COVID-19 हैज जस्ट एक्सपोज आवर डॉक्टर साहब, आपने बात करते वक्त एक बात साझा की सबके साथ कि किताब जो है आपकी, आपने लिखी जो, तो इसको पब्लिश करने में काफ़ी दिक्कतें आई। पब्लिशर जितने भी होते हैं, प्रकाशक जो भी होते हैं, उनके ऊपर काफ़ी दबाव लाया गया। क्या जानकारी देंगे इस पर, किस तरीके का दबाव था? अभी इसका हिंदी और उर्दू संस्करण बाकी है। जी 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 जी, मलयालम से बात हो गई है, मैं केरल में था और मैं आई प्राउड टू से दैट कि सबसे पहले वहीं से ऑफर आया। इससे कोई ऐसा दबाव नहीं था, वो ये कहते थे कि ये वाला पार्ट हटा दीजिए, जैसे आपको मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि हाउ आई बिकेम हीरो टू विलन। अनसस्पेक्टिंग ऑफ व्हाट वाज टू कम, आई एंटर्ड द क्यूबिकल वेयर द VIP स्टूडेंट ग्रीटेड एवरीवन। आई हैड इमेजिन दैट आई विल रिसीव अ पैट ऑन द बैक। जब मुझे मुख्यमंत्री के सामने 13 अगस्त को बुलाया गया योगी जी के सामने, तो मुझे लगा शाबाशी मिलेगी, मैं खुशी खुशी वहाँ पे गया।
The chief minister stared at me, ignoring my greeting. He was fuming. He was flushed and he was angry. गुस्से में थे, चेहरा पूरा इधर लाल था. तो तू डॉक्टर कफील है? I said yes sir. तो तूने सिलेंडर अरेंज किया था? Yes sir. I acknowledge. I was disturbed by the way he was addressing me with the pronoun तू. तू और आप में बड़ा फर्क होता है. तो पहली बार एहसास हुआ कुछ गड़बड़ हो गई है वहाँ पर. तो मुझे धक्का सा लगा कि ये क्या ऐसे चीफ मिनिस्टर क्यों ऐसे बोल रहे हैं. द सी एम देन टर्न टू अ कंसल्टेंट एंड आस्क्ड, ये चार पांच सिलेंडर ला के क्या कर लेगा? नो वन आंसर्ड हिज क्वेश्चन. इनसाइड माई हेड आई वॉइस इज स्क्रीमिंग, नॉट फोर और फाइव, वी अरेंज 500 सिलेंडर इन 24 आवर्स. तो तू सोचता है कि तू सिलेंडर ला के तू हीरो बन जाएगा, देखता हूँ तुझे. तो वो पब्लिशर चाहते थे मैं ये पार्ट हटा दूँ. ऐसे ही कई पार्ट हैं जो वो चाहते थे कि ना लिखूँ मैं, पर मैं सच्चाई बयान करना चाहता था. और ये ब्रिटिश पब्लिशर हैं, इन्होंने कहा कि बिना काटे छाटे पब्लिश कर दूंगा. तो मैं चूँकि पैसे की बात नहीं थी, ये बात है कि ये स्टोरी हर लोगों तक पहुँचनी चाहिए. तो मेरी कोशिश है कि हिंदी जो हम सब की अपनी लैंग्वेज है, उर्दू जो हम घर पर बोलते हैं, वो उसमें भी आए. और इंशाल्लाह जो मुंबई आया हूँ, मेरे ख्याल से तो मराठी में भी छापने की बात की जाएगी. डॉक्टर साहब, आपने एक और याद साझा की, जब मुमरा में आप पहली बार आए थे, शायद किसी कुल हिंद मुशायरा यहाँ होता है उसमें आए थे शायद आप, तो आपने कहा कि साथ दूंगा वाला हाथ उठा करके नारा तो लगा दिया गया मगर बोलने नहीं दिया गया. थोड़ा सा हम चाहेंगे कि इसका खुलासा करें, क्या मामला था? खुलासा जो है वो यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा. इतना ही कहना चाहूँगा, देखिए बहुत बार होता है कि आपको लगता है कि आपकी मदद की जाए, और लोग उस वक्त में नया नया जेल से निकला था, जो लोग बताते थे चला जाता था, कोई टीम नहीं थी. अब तो जैसे यस विकैन फाउंडेशन ने बुलाया, तो हमारी टीम जो मुंबई की यहाँ थी, उन्होंने बैकग्राउंड चेक किया कैसे लोग हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, तब करेंगे. बस सिंपल सी बात है. बहुत राज है इसमें, आपको अगर पढ़ेंगे आप तो पता चलेगा. इसमें वो लेटर्स भी मैंने जो लगाए हुए हैं, ये लेटर देखिएगा 6 अप्रैल 2017 का लिखा हुआ है. और किसको लिखा है? मुख्यमंत्री को और स्वास्थ्य मंत्री को. मतलब 5 महीने पहले उनको खबर हो गई थी कि पीआरडी में ऑक्सीजन खत्म हो सकती है. तो ये लेटर जब कोर्ट में जाएगा तो ये लोग भी जेल में जाएंगे. ये लेटर आप देखिए, ये 9 अगस्त 2017 का है, 9 अगस्त 2017 का, एक दिन पहले. और साफ साफ लिखा हुआ है कि लिक्विड ऑक्सीजन की 24 घंटे की बची हुई है सप्लाई. इनको पता था कि बच्चे मर सकते हैं, इनको पता था कि वो गरीब हैं, आवाज़ नहीं उठे, इसलिए उनको मरने दिया गया. सिर्फ इसलिए पुष्पा सेल ने अपने एफिडेविट में हाई कोर्ट में कहा है, उसका भी मैंने यहाँ पे जिक्र किया है कि 10% कमीशन मिलेगा तो पैसा दिया जाएगा, और नहीं मिलेगा तो पैसा आपका 68 लाख रुपया नहीं दूंगा. क्या मतलब आपने चुनाव की भी बात की अपनी स्पीच के दौरान, तो क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है? योगी जी तो गए, मैं नहीं बोलूँगा. अच्छा, ये एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की बड़ी कहानी आपने सुनी होगी. ठीक है, एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर जिसने 30 साल में गोरखपुर की गड्ढों को ठीक नहीं कर पाए, वो पूरे उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के सरगना बन गए. क्या करते तो वो सिर्फ 5 साल कोई डेवलपमेंट की, किसी एजुकेशन की. कोविड में हमने देखा है, अभी हमने एक सर्वे किया था, हर गांव से 10 लोगों की मौत हुई है. यूपी में 1,10,000 गांव हैं, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 लाख का तो आंकड़ा यही आ जाता है. और कहते हैं कि कोई ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं. गंगा मैया जो है मैली हो गई, लाशें जो है नदियों में तैरती नहीं, और वो झूठ पे झूठ बोलते हैं. चिताओं के अंबार लगते हैं, चिता एक चिता के ऊपर दूसरी चिता, मतलब एक लाश के ऊपर दूसरी लाश के ऊपर, एक ही चिता पे तीन तीन चार चार लाशों को जलते हमने लखनऊ में देखा है. मतलब शमशान घाट में आपको जहां नहीं मिल रही थी तो पार्क में लोगों को जला जलते हुए देखा है. कब्रिस्तान में भी लोगों को 24 घंटे की
वेटिंग लग रही थी। डॉक्टर साहब आपने कहा योगी तो गए हो, ठीक है, लेकिन योगी जी ये बड़ी मैं इज्जत करता हूँ, मैं हमेशा उनको योगी जी महाराज बोलता हूँ जी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपके नजरिए से, जब से आप जो है सामाजिक जीवन जीने लग गए हैं, डॉक्टर से एक्टिविस्ट बन चुके हैं, तो जो आपका आकलन क्या कह रहा है, जातिगत समीकरण भारी रहेंगे या ध्रुवीकरण की राजनीति आगे रहेगी, क्या रहेगा? अभी तो मुझे लग रहा है कि जो है बैकवर्ड और जो है फॉरवर्ड क्लास की जो लड़ाई है वही चल रही है। 85 जैसे योगी जी ने 80 बनाम 20 करने की कोशिश की थी, वो उसका उलट हो गया है और जो है 85 बनाम 15 की लड़ाई हो रही है और 85 एक जात इकट्ठा हो गए हैं। साइकिल देखा है, साइकिल का जो करियर होता है उस पर तो मुसलमान पहले ही बैठ चुका है, तो मुझे लगता है कि जो है चेंज आएगा। मेन जो यूपी की लड़ाई है वो फिर से मंडल और कमंडल के पास। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आपको ऑफर किया कि आपने कभी सोचा है कि आप सियासत उम्मीदवारी या कैंपेनिंग किसी भी तरह का? देखिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे खुशी होती है जब मैं किसी बच्चे का इलाज करता हूँ और वो बच्चा ठीक हो जाता है, तो दिल को सुकून मिलता है, उस रात नींद अच्छी आती है। पर जो मैं हेल्थ फॉर ऑल का जो कैंपेन लेके चल रहा हूँ, तो मुझे कभी कभी लगता है कि सिस्टम इज सो करप्ट दैट यू हैव टू कम टू द सिस्टम टू फिक्स इट। तो इंशाल्लाह कभी अगर लगेगा कि हाँ राजनीति में भी आना पड़ेगा तो आएंगे ज़रूर, तो उससे दूरी नहीं है। लेकिन मुझे अभी जो लगता है कि एज अ डॉक्टर जो है मैं अपना जो जॉब कर रहा हूँ डॉक्टर्स ऑन रोड और मिशन स्माइल के फाउंडेशन के थ्रू करता हूँ,